हेलो दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हमारे जन्म के समय यानी कि जब हम पैदा होते हैं हमारे ब्रेन में लगभग 100 बिलियन एक्टिव न्यूरॉन्स होते हैं और इसी वजह से बेबी ब्रेन की लर्निंग एबिलिटी इतनी ज्यादा होती है कि अगर बच्चे को मल्टीलिंगुअल एनवायरनमेंट में रखा जाए यानी कि जहां एक से ज्यादा लैंग्वेज बोली जाती हो तो बच्चा एक साथ कई सारी लैंग्वेज सीख सकता है, एक साथ अलग अलग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट सीख सकता है, वो भी बिना किसी एफर्ट के। अब इतना सब कुछ बच्चे कैसे कर लेते हैं? तो इसका सीधा सा आंसर है न्यूरोप्लास्टिसिटी। सिंपल भाषा में बोलूं तो 100 बिलियन न्यूरॉन्स के चलते बच्चे का दिमाग एक स्पंज की तरह होता है जो सब कुछ सोख लेता है। और अगर साइंटिफिक भाषा में बोलूं तो 100 बिलियन न्यूरॉन्स मिलकर बिलियंस ऑफ ब्लैंक यानी कि खाली न्यूरॉन्स के पाथवेज बनाते हैं जिन्हें किसी न्यू स्किल्स के थ्रू बहुत आसानी से ऑक्यूपाई किया जा सकता है। लेकिन 13 साल का होने के बाद ये विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी बंद हो जाती है और हमारे ब्रेन में बने न्यूरल पाथवेज कम होने लगते हैं क्योंकि हमारा ब्रेन यूज इट और लूज इट प्रिंसिपल पर वर्क करता है। या तो ब्रेन सेल्स यानी कि न्यूरॉन्स को यूज करो अदरवाइज दिमाग खुद ही उन्हें खत्म कर देगा। तो क्या हम लोग जो 13 से बड़े हैं कभी भी अपने दिमाग की फुल पावर को यूज नहीं कर पाएंगे? क्या हम फिर कभी भी न्यू स्किल्स को उतनी आसानी और एफिशिएंसी के साथ नहीं सीख पाएंगे? तो ऐसा कुछ नहीं है। आज की साइंस बहुत ज्यादा एडवांस हो चुकी है और न्यूरोजेनेसिस के थ्रू हम अपने दिमाग की न्यूरोप्लास्टिसिटी यानी कि दिमाग में न्यूरॉन्स के सर्किट्स या पाथवेज को इंक्रीज कर सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि यार ये न्यूरोजेनेसिस क्या बला है? तो सुनो, 1980 में जब न्यूरो साइंटिस्ट फर्नांडो नोटेबोम सॉन्ग बर्ड्स के ब्रेन पर रिसर्च कर रहे थे तो उन्होंने पाया कि जब बर्ड्स न्यू सॉन्ग सीख रहे थे तो उनके ब्रेन में कुछ डिफरेंट एक्टिविटीज हो रही थी। और फर्दर रिसर्च करने पर यह पता चला कि असल में गाना सीखते समय बर्ड्स के ब्रेन न्यू सेल्स प्रोड्यूस कर रहे थे। और जब ऐसी ही काफी सारी रिसर्च इंसानी दिमाग पर की गई तो पता चला कि हमारे दिमाग के कुछ हिस्सों में जैसे कि हिप्पोकैम्पस और सब वेंट्रिकुलर जोन में न्यू ब्रेन सेल्स यानी कि न्यूरॉन्स बनते हैं। और ज्यादा स्टडी करने पर यह पता चला कि हमारा ब्रेन डेली लगभग 700-800 न्यूरॉन्स प्रोड्यूस करता है। न्यूरॉन्स की यह संख्या इतनी कम होती है कि इनसे हमारे ब्रेन की एबिलिटी पर कोई असर नहीं पड़ता। बट अकॉर्डिंग टू डॉक्टर ब्रांट कॉटराइट के अनुसार ब्रेन में न्यूरोजेनेसिस के प्रोसेस को 5 गुना या उससे ज्यादा तक इंक्रीज किया जा सकता है, जिसके बारे में उन्होंने अपनी बुक द न्यूरोजेनेसिस डाइट एंड लाइफस्टाइल में बताया है। सो चलिए जानते हैं हाउ टू इंक्रीज न्यूरॉन्स इन द ब्रेन। फर्स्ट है न्यूरोजेनेसिस एक्सरसाइजेस। एक्सरसाइज के लाइफ चेंजिंग बेनिफिट्स के बारे में तो हम सब जानते हैं, लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि अलग अलग एक्सरसाइजेस का हमारे माइंड और बॉडी पर अलग अलग असर होता है? फॉर एग्जाम्पल, जब न्यूरो साइंटिस्ट ये रिसर्च कर रहे थे कि किस एक्सरसाइज को करने से हमारा ब्रेन सबसे ज्यादा न्यूरॉन्स प्रोड्यूस करता है तो चौंका देने वाली फैक्ट सामने आए। स्ट्रेंथ एक्सरसाइज जैसे कि जिम में वेट उठाना या स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज से हमारा ब्रेन ना के बराबर न्यूरॉन्स प्रोड्यूस करता है, और वहीं एरोबिक एक्सरसाइज जैसे कि वॉकिंग के ब्रेन में सबसे ज्यादा न्यूरॉन्स प्रोड्यूस होते हैं। ये इंटरेस्टिंग फैक्ट मुझे इस टॉपिक की और गहराई में लेके गया तो कुछ चौंका देने वाली इन्फॉर्मेशन मेरे सामने आई। जैसे कि दुनिया में जितने भी ग्रेट माइंड हुए हैं जैसे कि लियोनार्डो द विंची, निकोला टेस्ला, स्वामी विवेकानंद, अल्बर्ट आइंस्टीन, बीथोवन, चार्ल्स डिकेंस, चार्ल्स डार्विन, स्टीव जॉब्स या फिर ग्रेट फिलोसोफर गोथे, इन सब लोगों में एक बात कॉमन थी कि ये लोग मीलों तक रोजाना पैदल चला करते थे, क्योंकि वॉक करने से ना केवल ब्रेन सेल्स इंक्रीज होते हैं बल्कि दिमाग की क्रिएटिविटी पावर लगभग 60% तक इंक्रीज हो जाती है। इसके अलावा एरोबिक एक्सरसाइज ब्रेन में BMP बोन मॉर्फोजेनेटिक प्रोटीन को कम करती है जो ब्रेन में न्यूरल स्टेम सेल्स यानी कि वो सेल्स जो न्यू न्यूरॉन्स के प्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं उन्हें डीएक्टिवेट करता है। सो टू कंक्लूड, एरोबिक एक्सरसाइजेस बहुत ही असरदार तरीके से ब्रेन में न्यूरॉन्स के प्रोडक्शन को इंक्रीज करती है। सेकेंड है न्यूरोजेनेसिस डाइट। डॉक्टर ब्रांट कॉटराइट ने अपनी बुक न्यूरोजेनेसिस डाइट एंड लाइफस्टाइल में न्यूरॉन्स के प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए कुछ स्पेशल फूड्स और सप्लीमेंट्स रिकमेंड किए हैं जो ब्रेन सेल्स इंक्रीज करने के साथ साथ ब्रेन में ऐसा एनवायरनमेंट बना के रखते हैं जिसमें न्यूली बोर्न बेबी न्यूरॉन्स अच्छे से सर्वाइव और थ्राइव कर सकें, जैसे कि ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, जिंसेंग, टर्मरिक, जिंको बिलोबा, रोडिला रोजिया, मेलाटोनिन एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इस टॉपिक के ज्यादा डिटेल्स में जाके बात नहीं करूंगा क्योंकि ब्रेन फूड्स पर मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूं जिसे आप ऊपर आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं या जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। थर्ड है मेडिटेशन। मेडिटेशन के बेनिफिट्स के बारे में ऐसा कहा जाता है कि वो एंडलेस हैं, और जब बात दिमाग के वेलबींग की आए तो आप मेडिटेशन को नेग्लेक्ट कर ही नहीं सकते। मेडिटेशन ही केवल ऐसा तरीका है जिसको करने से ब्रेन में न्यूरोजेनेसिस और न्यूरोप्लास्टिसिटी दोनों इंक्रीज होते हैं, क्योंकि मेडिटेशन के दौरान हमारे ब्रेन में कुछ इंपॉर्टेंट केमिकल्स रिलीज होते हैं जैसे कि सेरोटोनिन, मेलाटोनिन, गाबा, एंडोर्फिन एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ब्रेन में इन केमिकल्स का काम अलग अलग है, लेकिन अगर एक लाइन में बोलूं तो इन्हीं केमिकल्स के चलते ब्रेन नेगेटिव पैटर्न्स को रिमूव कर न्यू पॉजिटिव कनेक्शन फॉर्म करता है जिसका डायरेक्ट असर हमारे फोकस, कॉन्सेंट्रेशन और इंटेलिजेंस पर पड़ता है। इसके अलावा जब हम रोजाना मेडिटेशन करते हैं तब ब्रेन का हिप्पोकैम्पस वाला हिस्सा बढ़ने लगता है और ब्रेन के इसी हिस्से में न्यूरोजेनेसिस यानी कि न्यू न्यूरॉन्स बनते हैं। मतलब कि जितना बड़ा हिप्पोकैम्पस उतने ज्यादा न्यूरॉन्स ब्रेन में प्रोड्यूस होंगे, और जितने ज्यादा न्यूरॉन्स ब्रेन में होंगे उतने
ज़्यादा आप इंटेलिजेंट होंगे। और अब ऐसा बिल्कुल नहीं है कि इन बेनिफिट्स के लिए आपको घंटों मेडिटेशन करना है। अकॉर्डिंग टू साइंटिफिक स्टडी, रोजाना 30-40 मिनट्स मेडिटेशन करने से हिप्पोकैम्पस का साइज इंक्रीज होने लगता है। लास्ट है लर्निंग। दुनिया में ज्यादातर लोग अपने दिमाग को डेली बेसिस पर चैलेंज नहीं करते हैं, जिसके चलते उनके दिमाग में न्यू न्यूरॉन्स के सर्किट्स नहीं बन पाते। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि हमारा ब्रेन यूज इट और लूज इट प्रिंसिपल पर वर्क करता है, तो इसी कारण से उन लोगों की इंटेलिजेंस भी सीमित रह जाती है। ये ठीक उसी तरह वर्क करता है जैसे कि एक्सरसाइज के दौरान हमारी बॉडी। जब हम एक्सरसाइज करते हैं तब बॉडी के टिश्यूज फटने लगते हैं और उन फटे हुए टिश्यूज को रिपेयर करने के लिए बॉडी नए टिश्यूज को प्रोड्यूस करती है, जिससे बॉडी धीरे धीरे स्ट्रांग होने लगती है। इसी तरह जब ब्रेन को डेली बेसिस पर उसकी मैक्सिमम कैपेसिटी तक यूज किया जाए तो ब्रेन भी न्यू ब्रेन सेल प्रोड्यूस कर अपनी कैपेसिटी को इंक्रीज करने लगता है। द मोर यू विल लर्न द मोर यू विल बी एडिंग न्यूरॉन्स। इसीलिए जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं उनका सीखना कभी खत्म नहीं होता और इसी के चलते वो इतने इंटेलिजेंट भी होते हैं। सो अगर आप भी ये चाहते हैं कि आपका ब्रेन भी खूब सारे न्यू ब्रेन सेल प्रोड्यूस करे और आप भी एक इंटेलिजेंट इंसान बन जाए, तो एक्सरसाइज योर ब्रेन बाय रीडिंग, राइटिंग एंड विजुलाइजिंग। क्योंकि सिक्स पैक्स ऐप भी अच्छे सप्लीमेंट खाने से नहीं बल्कि मेहनत करने से बनते हैं। सो दैट्स इट दोस्तों, मैंने अपना काम कर दिया, अब आपकी बारी। अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, घंटे का पूरा इस्तेमाल करने के लिए उस पर क्लिक कर दें, और अगर ये सब कर दिया है तो थैंक यू सो मच।